श्री राम जन्मभूमि और धार्मिक नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां भारत ही नहीं पूरे विश्व में उत्साह का माहौल देखा जा रहा, वहीं बागपत के परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर में आज श्री राम के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारु प्रज्ञा परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद 11,000 दीपक को जलाकर दीपोत्सव मनाया। इस अवसर पर भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और कलयुग में त्रेता युग की झलक दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि आज का यह पल बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। पूरा महादेव की इस पवित्र शिव नगरी में आज जो राम मंदिर का अयोध्या के पावन स्थल पर उनके मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है और उसमें जिस प्रकार से भगवान राम के बाल्यकाल की रामलला की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, उसका यहाँ पर हजारों लोगों के बीच में हम लोगों ने ऑनलाइन उस कार्यक्रम को देखा और आज ऐसा लगा कि ये राम हमारा जो अयोध्या है वो अयोध्या साकार रूप लेकर के आज पूरा महादेव की इस पवित्र धरती पर उतर करके आई है। आज पूरा का पूरा देश राम में होता जा रहा है और भगवान राम को हम रामो विक्रमान धर्म ऐसा मानते हैं। अगर हमको अच्छाई को देखना है, धर्म का साक्षात या साकार रूप देखना है, उसका मूर्त रूप देखना है, तो हमें भगवान राम की तरफ देखना चाहिए और भगवान राम के इस पवित्र काम के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं पूरे बागपत की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से अयोध्या की पवित्र स्थली पर लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, हजारों बलिदानों के बाद जो इतिहास हमको मिला, जिस इतिहास के हम लोग सब साक्षी बनते जा रहे हैं, उसके लिए पूरे बागपत की जनता की तरफ से मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ और इसके मंदिर के निर्माण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत ही तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी लोगों का आज करोड़ भारतवर्षी या करोड़ भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले जो करोड़ों लोग हैं, आज सब अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो भगवान राम के वंशज हैं, उस धरती पर पैदा हुए, उस पवित्र धरती पर पैदा हुए जहाँ कभी लाखों करोड़ों वर्ष पहले भगवान राम जी धरती पर खेले थे। मैं पुनः धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, कलयुग चल रहा है, कलयुग में त्रेता युग का कुछ झलक दिखाई दे रही है इस तरह से। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा सत्य वचन करनी विमल कपट रहित करतूती, सत्य वचन करनी विमल कपट रहित करतूती, तुलसी रघुवर सेवक को ठग न सकेगी कल धूती। इस कलयुग के अंदर भी अगर भगवान राम की तरह हम उनके आदर्शों पर चलते हुए हमारे वचनों में सत्यता है, हमारी जो सत्य वचन करनी विमल, हमारी जो करनी हमारे जो कर्म हैं वो विमल हैं और हम किसी को धोखा देने वाले नहीं हैं, तो इस कलयुग के अंदर भी हम लोग ये कलयुग का जिसको हम बोलते हैं कलयुग भी हमको जो ठग नहीं सकेगा, हम सब लोगों का कल्याण होगा। हर हर महादेव और सबको मेरी जय श्री राम। आज इतना शुभ दिन है और हमारा सौभाग्य हमें ऐसा दिन देखने को मिला। 500 साल के इंतज़ार के बाद भगवान श्री राम अपने घर पधारे हैं। मेरी सबसे विनती है, बागपत की जनता से विनती है कि रात को अपने घर दिए जलाइए, दिवाली मनाइए, राम जी आए हैं। प्रणाम।